क्या नूनो विल प्ले इन द अपकमिंग मैच विथ रवसान क्लब, क्योंकि मोहन बागान ये मैच खेलने वाली अपने घर पे तजिकिस्तान की ये टीम है और ये ACL 2 के पहला मैच रहेगा इनके लिए, और इसमें क्या नूनो खेलेंगे, सेवेंथ प्लेयर, फॉरेन प्लेयर, क्या वो फिट हो पाएंगे, क्या ISL में वो रिप्लेस करेंगे किसको, ये सबके ऊपर बहुत क्वेश्चन है। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना जरूरी है। मैंने इवन नूनो के ऊपर ये भी वीडियो बनाया है कि उनकी टेक्टिकल एनालिसिस, क्या मोहन बागान की जो प्रॉब्लम्स है उसको ये सॉल्व कर रहे हैं, क्या जो गैप्स है उसको टिक कर रहे हैं, ये सब के बारे में मैं टेक्टिकल एनालिसिस किया है ऑन नूनो। प्लीज गो एंड चेक इट आउट, द लिंक इन द बायो बाय द वे। सो बात करते हैं पहले रफसन क्लब, क्या डिफिकल्ट नाम है यार, इसके ऊपर बात करते हैं। ये टीम जो है ना तजिकिस्तान की टीम है, 20,000 की कैपेसिटी है इनकी मोस्टली, ये ग्राउंड की स्क्वाड साइज में, स्क्वाड में हम देखेंगे तो बहुत से घाना प्लेयर जो है इन लोगों ने रखा हुआ है, लंबे लंबे यार, ये सैमुएल ऑफरी को देखोगे तो मतलब डर लग जाएगा, 25 साल का है, बट दे हैव रियली रियली गुड टैलेंटेड प्लेयर लाइक क्रिस्टियन इन द डिफेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज भाई गोल मारते हैं ना हमें, और इंडियन टीम ऑलवेज स्ट्रगल टू स्कोर द गोल। सो दो तीन प्लेयर हैं जो डिफेंस में बहुत तगड़े लंबे हैं, जो देखने लायक रहेगा। इसके अलावा इनके सबसे जो खतरनाक प्लेयर है ना जिनसे एक्चुअली डरना है जो है राइट विंग में, इनका नाम है राकिमोव एंड साफरोव, भाई नाम पे ध्यान मत देना ठीक है। ये दोनों जो है राइट विंगर और लेफ्ट विंगर 27-25 साल के हैं, बट दे आर रियली रियली गुड। अब अटैकिंग मिडफील्डर में जो है इनकी टीम में दो तीन प्लेयर हैं जो भी कैन क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटी, बट इनके स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगा ना, इनकी एवे रिकॉर्ड बहुत खराब है, इन लोग एवे में ना 1 पॉइंट लेते हैं, इनकी एवरेज यही है, 15 मैच में अभी तक एवे में उन्होंने एक ही पॉइंट लिया है, मतलब एवरेज एक ही पॉइंट लेते हैं, मतलब ज्यादा ड्रॉ करते नहीं तो हारते हैं ये लोग, एवे में ज्यादा नहीं जीत पाते हैं। अब इनकी लास्ट 4-5 मैच देखेंगे तो इनकी लास्ट उन्होंने 3 मैच हारा है एंड 2 मैच ड्रॉ किया है, सो उनकी फॉर्म इतनी खास नहीं है, सो ये एक कंसर्निंग एरिया है। ये फैन कोड में आपको ये मैच को लाइव देखने को मिलेगा, क्या नूनो खेलेंगे, नूनो इस मैच में नहीं खेलेंगे, ये स्टिल गेनिंग द फिटनेस, तो मुझे लग रहा है कि 1 महीना उनको लगेगा टू गेट द फिटनेस। तो खेलेगा कौन, तो खेलने वाले हैं जिमी मैकलेरन जो कि फिट घोषित किए गए हैं और वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, सो आई एम श्योर जिमी मैकलेरन विल गोना स्टार्ट। सो हाउ द लाइनअप विल लुक लाइक, सो लाइनअप विल बी बिटवीन द स्टिक विशाल केत, नो डाउट अबाउट इट, यहाँ पे 3 डिफेंस में खेला जाएगा, तो यहाँ पे टॉम अल्बर्टो एंड सुभाषिस ये जो है हमारे डिफेंस स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में जो है आशीष राय स्टार्ट करेंगे, मिडफील्ड में जो है अपुया एंड सूर्यवंशी ये दोनों स्टार्ट करेंगे। नंबर 10 में यहाँ पे एक दिक्कत होने वाली है, यहाँ पे खेलेंगे हमारे क्रेक एंड राइट साइड में पेटाटोस मूव करेंगे, क्योंकि पेटाटो जब भी राइट को उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है क्रिएट अपॉर्चुनिटी, एंड लेफ्ट में ऑब्वियसली लिस्टन, नो डाउट अबाउट इट, एंड देन 2 नंबर 9 इट इज मैकलेरन एंड कमिंग्स। सो यहाँ पे ये टीम के साथ जो है उतरेगी मोहन बागान, और नूनो के बारे में जो बात कर रहा हूँ कि ही वॉन्ट रिप्लेस एनी वन इन द ISL टिल जनवरी, ये क्लियर है, कन्फर्म है, एंड ही विल बी एलिजिबल टू प्ले, यस ही विल बी एलिजिबल टू प्ले, बट क्या फिटनेस उनका रेडी है टू प्ले इट फॉर दिस मैच, बट आगे जाके ACL 2 में उनकी प्रेजेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 से ज्यादा प्लेयर खेल सकते हैं, जितने भी प्लेयर अवेलेबल भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम 11 के 11 प्लेयर खिला दो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द रूल फॉर ACL 2। सो यही है मेरा एक एनालिसिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब इट। जय हिंद।